भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शौचालय सफाई टंकी में छिपाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। दरअसल यह कार्रवाई मद निषेध विभाग और DIU के सहयोग से वरीय अधिकारियों के निर्देश पर प्रशिक्षु DSP विशाल आनंद के नेतृत्व में की गई है। टीम में इंस्पेक्टर गणेश कुमार, दरोगा सुधीर कुमार सिंह, विकास कुमार, बम कुमार, मुलायम यादव, मिथिलेश कुमार मंडल सहित पुलिस के कई जवान शामिल थे। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सनौला मोड़ पर 147 कार्टन विदेशी शराब करीब 1274 लीटर बरामद की है। इसके साथ ही एक न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और शौचालय सफाई टंकी भी जब्त की गई है। मौके से शराब तस्कर विमल कुमार यादव और पवन कुमार सिंह, जो समस्तीपुर के जदाह गांव के निवासी हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह शराब झारखंड के गोड्डा से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर 5 और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। मद निषेध विभाग और DIU के गुप्त सूचना के आधार पर और वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार एक मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने सनहौला मोड़ के पास जब चेकिंग किया तो उस चेकिंग में विदेशी शराब, जिसके 147 कार्टून विदेशी शराब, टोटल क्वांटिटी जो है 1274.400 लीटर अवैध विदेशी शराब पाया गया। और इसके साथ ही एक न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर और जिसपे ब्लू और पीला रंग का लोहे के शौचालय टंकी, जिसपे लाल रंग के पेंट से स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ है, उसके साथ बरामद हुआ। इसके साथ ही दो एक्यूज्ड भी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम विमल कुमार और पवन कुमार है। इनके पास एक सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन भी मिला, उसको भी उसको जब्त किया गया। उसके बाद की गई पूछताछ में इनके द्वारा लाइनर के बारे में बताया गया, जो इनका रूट लाइन कर रहे थे। तो तकनीकी सूचना के आधार पर और तकनीकी एनालिसिस के आधार पर 5 लोगों को अभी पकड़ा गया है। उनके साथ एक उजला स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नंबर BR31PA0051 भी जब्त किया गया। ये झंडापुर थाना नौगछिया से उनको पकड़ा गया है और इसके साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगामी छठ महापर्व को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों ने चंपा नाला पुल से भागलपुर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी संभावित समस्याओं पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद कहा कि छठ महापर्व के अवसर पर व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और छठ घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। मेरे SSP साहब, हमारे DDC, STO, STP और पूरी टीम के द्वारा हम लोग विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और अभी हमारे पास दो बहुत बड़ा पर्व है, एक तो दिवाली, एक साथ काली पूजा और दूसरा छठ पर्व है। तो हम लोग उसी के आलोक में, खास करके काली पूजा में यहाँ पर मूर्तियाँ बैठती हैं और विसर्जन भी होता है, उसको लेकर के देख रहे हैं और साथ ही छठ पूजा के आलोक में हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न घाटों की पहचान कर रहे हैं कि कौन सा घाट हमारा सुरक्षित है, कौन असुरक्षित है, कहाँ हमें कितना मैन पावर लगाना पड़ेगा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या क्या उपाय करना पड़ेगा। साथ ही जो गहरे घाट हैं वहाँ हम जो NDRF है, SDRF है, उसके साथ ही हम लोग आपदा मित्र हैं, उन लोगों की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग करेंगे और विभिन्न स्थानों में हम लोग जो ऊंचे स्थान को भी चयन कर रहे हैं, जहाँ हमारे पदाधिकारी वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और वाच कर सकते हैं। पूजा विसर्जन और छठ घाट जितने भी हैं सभी का दूसरा चरण है निरीक्षण का और वहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ ड्रोन से भी पूरे घाटों की निगरानी और जुलूस के जितने विसर्जन मार्ग हैं उसकी भी निगरानी की जाएगी। तो जहाँ पे थोड़ी मोड़ी जो समस्या है उनकी निगरानी हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, उसमें उसको समय पूर्व उसको पूर्ण करा लिया जाएगा।
भागलपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने अनुमंडल क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर दिए हैं, जहां आज से पटाखों की बिक्री शुरू हो गई। शहरी क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए जोगसर थाना क्षेत्र के जिला स्कूल मैदान, बरारी थाना क्षेत्र के इमली गाछ मैदान और बबरगंज थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय महेशपुर अलीगंज मैदान को बिक्री केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गोराडी प्रखंड के बिशनपुर जिच्छो चौक स्थित निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन, गोराडी प्रखंड के समीप मैदान, सबौर के हाई स्कूल मैदान और बरारी हाई स्कूल मैदान को भी पटाखा बिक्री केंद्र के रूप में चुना गया है। दुकानदारों ने बताया कि इस महंगाई के दौर में भी 500 से लेकर 10,000 तक के पटाखे उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहक अपने घरों में आतिशबाजी का आनंद उठा सकते हैं। सभी प्रकार के पटाखे बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध हैं और ग्राहकों के लिए दुकान सज धज कर तैयार है। बाजार में तो पहले के मुताबिक इस बार तो महंगी पटाखा है, और अगर आप अपने बच्चे को पटाखा देना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपये पर खर्च हो जाएगा, और अगर अधिक मात्रा में देने सकते हैं तो 500 से लेकर 10,000-15,000 तक की लोग कस्टमर यहाँ पाते हैं और अपने बच्चों को और अपने लिए पटाखा खरीद के ले जाते हैं। और यहाँ पर जो भी पटाखा बिकता है सब आपका जो है कोक ब्रांड की बिकती है और सब करेंट माल बिकती है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार ओझा, राष्ट्रीय सचिव युवा जदयू, आप सभी शहरवासियों को दीपावली, काली पूजा एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी शहरवासी आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ यह पर्व को मनाएंगे। धन्यवाद। आगामी काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की ओर से महासमिति कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष शोभा यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महासमिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई थी, जिसके चलते इस वर्ष महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह को भी असामाजिक तत्वों से खतरे की आशंका है। उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। महासमिति के महामंत्री आनंद कुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन के साथ बैठक चल रही है और इस बार महासमिति प्रशासन के गाइडलाइंस का पालन करते हुए विसर्जन शोभा यात्रा में भाग लेगी। वहीं संरक्षक कमल जायसवाल ने बताया कि सभी पूजा समितियों को उनके विसर्जन का समय निर्धारित कर दिया गया है। यदि कोई समिति तय समय पर शोभा यात्रा में शामिल नहीं होती है तो महासमिति की ओर से कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने जहां सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है, वहीं संरक्षक कमल जायसवाल ने कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई डर या आशंका नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन किसकी बातों पर ध्यान देगा, अध्यक्ष की या संरक्षक की। प्रेस वार्ता में संरक्षक भगवान यादव, शिशुपाल भारती, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, राकेश रंजन केसरी सहित महासमिति के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार के भागलपुर रेलवे जंक्शन पर दीपावली के मौके पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान के द्वारा कूली, आरपीएफ, जीआरपी और मोची समाज के बीच मिठाई बांटी गई। दरअसल दीपोत्सव कार्यक्रम का यह आयोजन भागलपुर जंक्शन पर पिछले 7 वर्षों से लगातार होता आ रहा है, जो देश के अन्य रेलवे स्टेशनों से अलग एक विशेष परंपरा बन चुका है। इसके अलावा देश भर के विभिन्न इलाकों में चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भी जनहित में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इस विशेष अवसर पर कूलियों और रेलवे कर्मचारियों ने इस पहल की सराहना की और दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर दीपावली उत्सव करीब 18 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमे हम लोग जो हमारे जवान है, जो आरपीएफ और जीआरपी के जो अपने घर नहीं जा पाते हैं, जैसे हमारे कूली भाई है, सफाई कर्मी के लोग हैं, उनको हम लोग भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आज मिठाई, मोमबत्ती, दिया सभी उनको संस्था की तरफ से दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये भागलपुर इकलौता स्टेशन है जहाँ की ऐसा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होता जो भागलपुर स्टेशन पर किया जाता है। साथ ही जो केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ संस्था है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में नशा पुरानी जहर पुरानी के लिए जागरूकता अभियान चला रही है करीब 21 वर्षों से, जिसमें कि भागलपुर से पूरे देश भर में निःशुल्क बैनर, पोस्टर, साउंड सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आने वाले ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई नशा पुरानी और जहर पुरानी का शिकार ना हो। छठ पूजा को लेकर
सबसे ज्यादा भीड़ बिहार के आने वाले लोगों की ट्रेनों में होती है, जिसमें कई बार जो लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, उनके साथ बड़ी समस्या हो जाती है। ट्रेन उनको चाय बिस्किट पानी की बोतल के बहाने फुसला कर उनको बेहोश कर सारे सामानों को लूट लिया जाता है। अपील क्या रहेगी उनको? अपील हमारी ये रहेगी कि जितने भी यात्री आ रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो सावधान रहे, किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी सामान ना खाएं, साथ ही विदाउट टिकट ट्रेन में यात्रा ना करें और अपने सामानों की जवाबदेही वो स्वयं रखें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रलोभन दिया जाए प्रसाद का भी, तो वो प्रसाद ना खाएं।